हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ डू ट्रैवल एजेंट मेक मनी। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रैवल एजेंट मनी अर्न करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर देखना। जैसे कि आपको पता है, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है ट्रैवल बिजनेस, ट्रैवल इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो आप बाकी वीडियोस को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना अपकमिंग वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रैवल एजेंट मेक मनी, ऐसे कौन कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से ट्रैवल एजेंट मनी अर्न कर सकते हैं। तो मैं कुछ छह जो मेन इंपॉर्टेंट मेथड है उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से छह ऐसे तरीके हैं जिनकी वजह से वो नॉर्मली मनी अर्न करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल हमारा टूर पैकेजेस, जो प्रोडक्ट सर्विसेज होता है वो क्रिएट करना होता है, उसकी मार्केटिंग करनी होती है, लीड जनरेट करनी होती है, सेल्स टीम लीड्स पे वर्क करती है, उनसे बात करती है, कंफर्म करती है पैकेज को, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो बेसिकली ये ट्रैवल एजेंसी बिजनेस मॉडल है। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज है वो टूर पैकेजेस है। अब कस्टमर को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है ट्रैवल करने के लिए, वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, हनीमून पैकेज वो आपसे ले सकता है, फैमिली ट्रिप पे जाना है तो फैमिली पैकेज आपसे बुक कर सकता है, स्कूल कॉलेजेस के भी ट्रिप होते हैं, कॉरपोरेट ग्रुप टूर्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कस्टमर है वो उस कंट्री में ही ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल कर रहा है, या अपनी स्टेट से फॉर एग्जाम्पल इंडिया के इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, या इंडिया से बाहर ट्रैवल कर रहा है, या बाहर के लोग इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बहुत सारे टूर पैकेजेस इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हो आप। तो इसमें देखो, सबसे बेसिक जो चीजें हैं, फिर जो हमारा प्रोडक्ट सर्विस है वो टूर पैकेज है। अब जो ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंसी कैसे अर्न करते हैं, तो सबसे पहले वो टूर पैकेजेस क्रिएट करेंगे। उसके लिए वो क्या करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है कि टूर पैकेजेस कैसे क्रिएट करने हैं, किस तरीके से कॉन्टेक्ट करना है, सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं। तो वो बेसिकली जो भी सप्लायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जो डीएमसी से जो टूर पैकेजेस में डील करती हैं, जो उसकी एक्सपर्ट है उनसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो बोलेंगे कि हमारे भी खुद की ट्रैवल एजेंसी है। तो वहां से वो B2B रेट बेसिकली लेंगे, B2B रेट उनके पास आ जाएंगे, B2B रेट उनके पास फॉर एग्जांपल आ जाएंगे तो उस पे अपना मार्कअप ऐड करके वो कस्टमर को सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है वो टूर पैकेज पे। देखो, जो एज ए ट्रैवल एजेंसी कोई भी आपके पास आएगा, आपके पास एज ए ट्रैवल एजेंट आप हो तो कोई भी आएगा कि उन्हें लोकेशन पे जाना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाना, तो उसको टूर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है, कंप्लीट पैकेज की रिक्वायरमेंट है उसे। तो उसे फॉर एग्जांपल हिमाचल जाना है, उत्तराखंड जाना है, केरला जाना है, कश्मीर जाना है, थाईलैंड जाना है, दुबई जाना है, सिंगापुर जाना है, मलेशिया जाना है, यूरोप जाना है, तो उसमें से कोई भी पैकेज वो आपसे लेगा। तो उसके बदले लाइक आप के पास B2B रेट्स है ऑलरेडी, वो पैकेजेस आपके पास अवेलेबल है, आप उन पे अपना मार्कअप ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पैकेज, आपके पास कोई कस्टमर आता है वो बोलता है मुझे गोवा का पैकेज चाहिए, गोवा चाहिए, मुझे हनीमून पैकेज चाहिए या फैमिली पैकेज चाहिए, तो आप फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी पैकेज है उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए के आपको वो पड़ रहा है, कि लाइक उसमें फ्लाइट भी इंक्लूड है, उसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूड हो गया, जो वहां पे साइट सीन करेंगे वो इंक्लूड हो गई, कुछ एक्टिविटीज होगी, होटल में स्टे हो गया, तो इसमें ये दो लोगों की कॉस्ट फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख रुपए पड़ रही है, जो आपको जो डीएमसी है वहां की, वहां से आपको मिल रहा है। आप डायरेक्ट कनेक्शन भी बना सकते हो, जैसे दो मेथड होते हैं पैकेजेस बनाने के, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में भी बताया हुआ है, या तो आप डायरेक्टली जो डीएमसी से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको ज्यादा और किसी से कांटेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट होटेलियर से, एक्टिविटी प्रोवाइडर से, कार कैब प्रोवाइडर से, या तो ये मेथड है कि आप डायरेक्टली जो डीएमसी से उनकी वहां पे से कांटेक्ट कर लो, या फिर दूसरा मेथड है कि अगर आपको और अच्छे रेट चाहिए तो डायरेक्टली आप कनेक्ट हो जाओ जो होटल्स है वहां के जो कार कैब प्रोवाइडर है, एक्टिविटी प्रोवाइडर है, तो यहाँ से क्या होगा कि फिर आपको और अच्छे रेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि आपने पूरा कंप्लीट टूर पैकेज यहाँ पे बना लिया, डीएमसी से आपके कॉन्टेक्ट है या डायरेक्टली आपने कॉन्टेक्ट किए हुए है, तो अब आपको फॉर एग्जाम्पल वो 1 लाख रुपए में पड़ रहा है, तो आप उस पर अपना 10-15-20% जो मार्कअप है वो ऐड करके कस्टमर को सेल कर सकते हो। फिर उसके बाद नेगोशिएट वगैरह होगा, 15% प्रॉफिट पे आप डील को डन करते हो, या 12 पे या 10% पे आप डील करते हो, तो वो उसका आपका प्रॉफिट हो जाता है। जैसे 1 लाख पे अगर कोई डील डन होती है तो आपका फॉर एग्जांपल वहां पे 1,10,000 रुपए का आपने पैकेज कस्टमर को बेच दिया, तो 10,000 रुपए का आपका प्रॉफिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गोवा की बात करता हूँ, गोवा टूर पैकेजेस फॉर एग्जाम्पल, ये सारे मार्केटिंग के मेथड है कि
आपके पास फॉर एग्जांपल पैकेजेस रेडी हो गए, अब उनकी मार्केटिंग करनी है। अब फॉर एग्जांपल गोवा के भी पैकेजेस आपके पास, केरला के भी है, अंडमान के भी है, दुबई सिंगापुर के भी है। तो यहाँ पे देखो जो भी सर्च कर रहा है, जो मार्केटिंग आप कर रहे हो, गोवा टूर पैकेजेस कोई भी सर्च करके आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बता दूं, सबसे पहले तो गोवा टूर पैकेजेस देखो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड से मंथली, जो लोग सर्च कर रहे हैं गोवा टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेजेस बेंगलोर से, गोवा टूर पैकेजेस कोस्ट ऑफ, गोवा टूर पैकेजेस, गोवा टूर पैकेज फॉर कपल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप देख सकते हैं कीवर्ड। तो इस तरीके से आप जब मार्केटिंग करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कीवर्ड रिसर्च करना, कितने कीवर्ड किस कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो आप उनकी मार्केटिंग भी अच्छे तरीके से कर सको। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया है कि इस तरीके से केरला टूर पैकेजेस होते हैं, इसके अदर देन बहुत सारे डेस्टिनेशन है जिन जिन में आप डील करते। तो कंप्लीट आपने बना लिया, आपके पास पूरा पैकेज अवेलेबल है, आपके पास जिस रेट में अवेलेबल है, जो वो हो गया आपके B2B, जो आपके पास आया हुआ है, जो आपकी अब आपको B2C बिजनेस टू कस्टमर को वो देना है, तो आप अपना मार्कअप ऐड करके उसको कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि आप अपना मार्कअप वहां पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रैवल एजेंट्स जो मेन जो अर्निंग है उनकी, वो यहां से होती है पैकेजेस से, कि उन्होंने किसी ने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, पैकेज उन्होंने सेल किया और उस पे अपना मार्कअप ऐड करके कस्टमर को सेल कर दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। उसके बाद आ जाता है कि कुछ कस्टमर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैं बात करता हूँ, कोई दिल्ली दिल्ली NCR से है, या उन्हें सिर्फ होटल की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं भी जैसे होटल्स में जाता हूँ तो होटल्स के वीडियो बनाता हूँ, जैसे अभी 3-स्टार होटल इन वृंदावन, यहाँ पे प्रेम मंदिर, 3-स्टार होटल इन वृंदावन नियर प्रेम मंदिर, तो इसकी जैसे वीडियो बनाई थी, 800 व्यूज इस पे हो गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी और भी वीडियोस हैं जिन पे, जैसे मैं बात करूं, एक वहां गया था मैं, जिम कॉर्बेट गया था, अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट, अलाया रिजोर्ट जिम कॉर्बेट में जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो 6,000 से भी ज्यादा व्यू है। तो इन वीडियोस को लोग देखते हैं और फिर कॉन्टेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं, बुकिंग की अवेलेबिलिटी वगैरह पूछते, रूम्स में अवेलेबिलिटी क्या चार्जेस वगैरह है, तो इस तरीके से पूछते। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो भी होटल्स हैं उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनसे B2B रेट लेने हैं, बिजनेस टू बिजनेस रेट। आप इस तरीके से किसी भी लोकेशन के जो भी है, जिस भी डेस्टिनेशन में आप डील करते हैं, जो भी होटल्स के साथ आप डील करते हैं, उनसे B2B रेट लेने हैं। अब कस्टमर को अगर उस लोकेशन पे सिर्फ होटल की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ये मेरे पास 3-स्टार होटल अवेलेबल है, ये 4-स्टार होटल अवेलेबल है, ये 5-स्टार होटल अवेलेबल है, या उसके अदर देन वहां पे किसी को कैंप चाहिए, ये हमारे पास कैंप अवेलेबल है, ये हमारे पास होम स्टे अवेलेबल है, ये रिसोर्ट अवेलेबल है, ये विला अवेलेबल है, कुछ में हो जाता है, फार्म हाउस भी की भी डिमांड आ जाती है कि पार्टी वगैरह करनी है। तो इस तरीके के आपके पास जो अकोमोडेशन के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, वो आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। तो जब वो होटल से सिर्फ होटल की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ जैसे ये वीडियोस को देखते हैं, या जो भी आप मार्केटिंग करोगे जिस तरीके से, तो वहां से फिर आपके पास लीड्स आनी शुरू हो जाएगी कि हमारे पास होटल्स भी अवेलेबल हैं। होटल होटल रिक्वायरमेंट है, कोई फैमिली है, वो कार से जा रही है, दिल्ली से जा रही है, कार से जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट उन्हें एक्सप्लोर करना है, तो जिम कॉर्बेट में वो फिर कॉल आता है उनका कि हम फॉर एग्जाम्पल फैमिली है, 8 लोग हैं हम, और हमें होटल चाहिए 2 नाइट के लिए। तो उसमें भी आप एक होटल से आपने B2B रेट ले रखे है, आपके पास अच्छे B2B रेट है, उस पे अपना मार्कअप ऐड आपने करना है, 10-15% जो भी आपका मार्कअप है वो ऐड करना है और कस्टमर को दे देना है। तो वहां से भी फॉर एग्जांपल जो भी फाइल बनती है कि 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, होटल बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए, तो वहां से भी आप एक B2C रेट उनको दे के जो भी है अपना मार्कअप ऐड करके, तो उनको वो सेल कर सकते हैं। अब होटल भी है, होटल एज ए होटल, होटेलियर्स भी क्या करते हैं, वो भी खुद, वो उनके पास बहुत सारे एजेंट उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो उनके पास 2 रेट होते हैं, एक तो B2B बिजनेस टू बिजनेस, जो वो जो आप अपने एजेंट है उनको देते हैं क्योंकि रेगुलरली वो वर्क दे रहे हैं उनको, और एक B2C होता है बिजनेस टू कस्टमर, वो बेसिकली थोड़ा सा हाई रहता है। तो इस तरीके से भी आप अपने सिर्फ होटल को सेल करके भी, होटल नाइट्स को सेल करके भी अपना अपना मार्कअप है वहां पे ऐड करके, इस तरीके से भी आप अर्न कर सकते हैं। तो 2 मेथड हो गए। तीसरा हो गया कि एक्टिविटी, अब किसी को चाहिए कि भाई मैंने होटल भी लाइक बुक कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल
कंप्लीट टूर पैकेज नहीं चाहिए, पर मुझे सिर्फ एक्टिविटी चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे अब रिवर राफ्टिंग, जैसे गर्मियों का टाइम है, मुझे सिर्फ रिवर राफ्टिंग करनी है ऋषिकेश में, या बंजी जंपिंग करनी है गोवा में, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। तो इस तरीके की सिर्फ जो एक्टिविटीज होती है, तो सिर्फ एक्टिविटी में भी आप डील कर सकते हैं। जो एक्टिविटी प्रोवाइडर्स है उनके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट है, उनसे आप बी टू बी रेट ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनाली में भी कुछ आते रहते हैं इंक्वायरीज की, हमें मनाली में फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लाइक हमें रिवर राफ्टिंग करनी है या पैराग्लाइडिंग करनी है, तो आप एक्टिविटीज को भी सेल कर सकते हैं। तो उनमें जो बी टू बी रेट आपके पास आए हुए हैं उसमें अपना मार्कअप ऐड करना, कस्टमर को बताना, तो इस तरीके से भी आप अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है टिकेटिंग। टिकेटिंग बिजनेस में जैसे आपको पता ही है कि अब क्लाइंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना है तो वो सिर्फ आपको, जैसे सिर्फ अगर आपसे बस बुक करनी है या फ्लाइट बुक करनी है या कार कैब बुक करनी है, कार रेंटल का भी बहुत बड़ा बिजनेस है। जैसे एक लोकेशन से, जैसे अगर मैं बात करूं कार रेंटल इन, देखो डिफरेंट डिफरेंट आ गया, गोवा दिल्ली, अगर मैं कार रेंटल गोवा में बात करूं तो यहाँ पे देखो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और कार रेंटल इन गोवा में भी देखो कितने सारे सर्चेज है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर एग्जांपल वहां पे चले गए, उस लोकेशन में चले गए, अब उन्हें सिर्फ कार रेंटल चाहिए। या फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मुझे जाना है वृंदावन जाना है, आगरा जाना है, ठीक है, तो मैं वहां पे बेसिकली कार बुक के लिए ही इस तरीके से सर्च करूंगा। कार बुक के लिए कार रेंटल इन गोवा एयरपोर्ट, कार रेंटल इन गोवा फॉर सेल्फ ड्राइविंग, देखो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन कीवर्ड के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कितने सारे सर्चेज हैं। तो इस तरीके से किसी को कार चाहिए, किसी को बस बुकिंग करनी है, किसी को फ्लाइट बुकिंग करनी है, तो उनमें भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो। आपके पास बी टू बी रेट होगी, सिमिलरली जैसे आपको कांटेक्ट करना है, हाँ भाई मैं आपको रेगुलर वर्क प्रोवाइड करूंगा, बी टू बी रेट मुझे तो बी टू बी रेट देंगे, आपके पास आप अपना मार्कअप ऐड करके कस्टमर को सेल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रेस्टोरेंट आ जाता है, बहुत सारे मैंने देखा, बहुत सारे जो हैं रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल कोई भी कस्टमर है, कस्टमर जा रहा है, कुछ कस्टमर होते हैं खुद से एक्सप्लोर करना शुरू कर दे, कुछ बोलते हैं कि हमें रिकमेंडेशन चाहिए, तो जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके कुछ टाई अप्स वगैरह होते हैं कि रेस्टोरेंट ओनर के साथ, या जो भी वहां पे किसी को शॉपिंग करनी है या कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल मनाली में जाते हैं तो कस्टमर को खाना खाना है, या तो वो रेस्टोरेंट जो भी रिकमेंड करते हैं वहां पे उनका एक शेयर रहता है कि अगर आपकी कंपनी की तरफ से जितने भी कस्टमर आएंगे तो हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। या उसके अदर देन जो वहां पे वो होता है, क्या बोलते हैं, जो भी वहां पे जैसे शॉपिंग करनी है, तो वो इस तरह की कुछ शॉप्स होती है कि वहां पे उनका लाइक टाई अप होते हैं पहले से, अगर हमारे कस्टमर यहाँ पे आते कुछ परचेज करते तो उसमें हमारा इतना कमीशन हो जाए। या हम वहां पे कोई स्नो से रिलेटेड जो वहां पे क्लोथ्स होते हैं, स्नो क्लोथ, स्नो एक्टिविटी करनी होती है, तो वहां पे भी उनका लाइक एक कमीशन सेट होता है। तो इस तरीके से भी बेसिकली वो अर्न करते हैं। तो ये कुछ मेथड है बेसिकली जिनकी हेल्प से, बेसिकली जो मेन मेथड मैंने आपको शेयर की, इस तरीके से बेसिकली ट्रैवल एजेंट अपने अपने जो भी है अपना मनी अर्न करते हैं। हाउ डू ट्रैवल एजेंट, टूर पैकेजेस, होटल से, एक्टिविटीज से, टिकटिंग से, रेस्टोरेंट से, और उसके अदर देन शॉपिंग वगैरह की हमने डिस्कस की। तो ये मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से करते हैं। अब बात आ जाती है कि कितना अर्न करते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा लीड्स वो जनरेट कर पा रहे हैं एक दिन में। मार्केटिंग, सारा खेल फिर मार्केटिंग पे आ जाता है कि कितनी ज्यादा लीड्स वो जनरेट कर पा रहे हैं, किस क्वालिटी की लीड जनरेट कर पा रहे हैं, सेल्स टीम कितना कन्वर्ट कर पा रही है, ऑपरेशन टीम किस तरीके से ऑपरेशन हैंडल कर पा रही है। तो बेसिकली सारा खेल फिर मार्केटिंग पे हो जाता है कि मार्केटिंग से अच्छी लीड्स लेके आना। फॉर एग्जांपल अगर 100 लीड्स आई है तो 100 में से 10% कन्वर्जन होना चाहिए, वो अच्छी लीड्स मानी जाती है। कि 100 लीड्स पे आपने बात की तो उसमें से 10 कन्वर्ट हो रही है, अब 10 जो कन्वर्ट हुई है उसमें हनीमून कपल भी हो सकते हैं, सोलो भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी एक्चुअली में वैल्यू कितनी है, उस जो पैकेज है उसकी एक्चुअली में वैल्यू कितनी, कितना रेवेन्यू आ रहा है उस पे आपका 10% जो मार्कअप होता है, एक मिनिमम 10% होता है, ज्यादा भी आप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट किस तरीके से है। तो वहां पे आप अपना फिर मार्कअप कितना आपको लाइक ऐड करना है उसके अकॉर्डिंग, 10% फॉर एग्जाम्पल आपने मार्कअप ऐड किया, तो वहां से फिर जितना आपका प्रॉफिट है वो आप अर्न कर सकते हैं। अब इसी तरीके से 200 लीड्स आ रही है कुछ एजेंसी, 500 लीड्स आ रही है, 1000 लीड्स आ रही है मंथली बेसिस पे, तो जितनी लीड्स आप
पे फोकस कर पा रहे हो, कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इसके अदर देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कंपनीज है जो बजट टूर पैकेजेस में डील करती है, कुछ होता है जो लग्जरी में डील करती है कि वो 3-4-5 स्टार होटलों में ही डील करती है, उससे नीचे की कैटेगरी में नहीं करती। कुछ होता है कि उनके पास किसी भी तरह की इंक्वायरी आ जाए तो वो डील करती है। तो अगर आप लग्जरी में डील करते हैं तो वहां से फिर आपको आपके जो फाइल होगी, जो भी कस्टमर जो आपसे पैकेज बुक करेगा उसकी ऑटोमेटिकली हाई होगी, 2-3-4-5 लाख रुपए का उसका पैकेज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां से प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। अब अगर आप इंटरनेशनल पैकेजेस में डील करते हैं कि कोई जा रहा है सिंगापुर, दुबई, यूरोप जा रहा है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपके पास एक ज्यादा रेवेन्यू होगा। तो ये सारा खेल फिर आप किस तरह की कैटेगरी के पैकेजेस में डील करते हो, कितने लीड्स जनरेट कर रहे हो, किस तरह के पैकेजेस इंटरनेशनल में, पैकेजेस में, डोमेस्टिक में, इनबाउंड में, किस तरह के पैकेजेस में डील कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितना अर्न कर सकते हैं, तो ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। आने वाले टाइम में जो भी है और वीडियोस हम इस पे बनाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाउ डू ट्रैवल एजेंट्स मेक मनी, जिसमें हमने टूर पैकेजेस की बात की, होटल से अर्न करते हैं, एक्टिविटी से, टिकटिंग से, रेस्टोरेंट से। तो इस तरीके से आप अपना ट्रैवल बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।